हेलो किसान दोस्तों, हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ और वर्षा पेट केयर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ले लीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आज हम बात करेंगे, हमारे जो किसान भाई हैं सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं बकरी में जूई चीचड़ी के वजह से, और बहुत तरह के बॉडी के ऊपर कीटाणु होते हैं जो कि परेशान करते हैं बकरियों का। ग्रोथ जल्दी नहीं होता है, अगर बच्चों को पकड़ लेते हैं तो बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है और बहुत लॉस होता है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे और बकरियों के साथ साथ आज हम जो बताने वाले हैं वो गाय भैंस कुत्ता इन सभी चीज़ों में काम करेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है और कौन सी चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ किस किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे जो बकरी है, बकरा है या और भी जो जानवर है, बड़ा जानवर, उसको किसी भी तरह का चिचड़ी या जू वगैरह हो जाता है तो उसको हटाने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट में सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। और उसके लिए आपको यूज़ करना है, स्किन पे दिख रहा होगा आपको, एक साबुन जिसका नाम है पैराटिक्स, ठीक है। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। वो दूसरा साबुन है और ये दूसरा है, काम सभी का एक ही है, नाम अलग अलग है। तो सभी चीज़ों का वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो वीडियो में बता रहे हैं वो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा, हो सकता है कोई दूसरा भी मिल जाए। तो हमारे किसान दोस्त, हमारे किसान भाई है, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पता नहीं इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो पहले साबुन को यूज़ करना है और बच्चों में, बड़ों में, जो भी है सब में यूज़ करिए। जितने टाइम आपको साबुन लगाने में लगेगा इतना ही टाइम उनको मरने में लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर लंबे समय तक या हमेशा के लिए अगर जूं चिचड़ी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है, आप सभी को पता है जो चूना आता है, सूखा चूना आता है ढेला ढेला जैसा, स्किन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उस चूना को यूज़ करना है। उसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले उसको पानी में डाल दीजिए। जब भी पानी में डालेंगे तो वो काफ़ी हीट होता है, हीट होने के बाद जब वो पिघल जाए, ठंडा हो जाए, उसको थोड़ा पतला कर लेंगे। थोड़ा पतला करने के बाद किसान भाई के पास एक स्प्रे मशीन होता है जिससे कीटनाशक स्प्रे किया जाता है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें डाल के और पूरे फार्म पे, फर्श पे और दीवार पे, हर तरफ उससे स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी स्प्रे करेंगे फार्म के अंदर तो जानवर को बाहर रखना है, क्योंकि उससे सर्दी होने का डर रहता है। तो अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगा, जू से, चिचड़ी से या कोई भी किसी भी तरह का कीटाणु होगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो आखिर में जाके वो होना ही नहीं लगेगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा जानवर को, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था, आप लोगों को जानकारी कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएँ, और फॉलो करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पे और फेसबुक पे गोट फार्मिंग से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो लेके आते रहते हैं। और अब गोट फार्मिंग के अलावा भी और भी कुछ जानवर पशु पक्षी है, उस पे भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द, अभी उसका तैयारी चल रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।